हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा। वेलकम टू माय चैनल टी ऑन फ्लेम। फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी को आपने देख लिया और अपने घर पर ट्राई किया तो आई एम श्योर कि आप मिठाई की शॉप से बेसन लड्डू लाना बंद कर देंगे। मेरा मतलब, जब आप घर पर ही एकदम हलवाई जैसे बेसन लड्डू बना लेंगे तो फिर वहाँ से लाने का कोई मतलब ही नहीं। तो चलिए बन जाते हैं हलवाई और बनाते हैं शुद्ध देसी घी के बेसन लड्डू। अरे मजाक कर रही हूँ, हलवाई थोड़ी ना बनना है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बेसन लड्डू के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में 3/4 कप देसी घी लेंगे। लड्डू के लिए हमेशा देसी घी ही यूज करिएगा और अच्छे से इसे पिघलने देंगे और गर्म होने देंगे। फ्लेम को हमें लो ही रखना है। घी अच्छे से गर्म हो गया है तो अब मैं ऐड करूंगी 2 कप बेसन। मैंने यहाँ मोटा बेसन लिया है जो कि दानेदार होता है, वो एकदम परफेक्ट होता है बेसन लड्डू के लिए और मार्केट में इजीली मिल भी जाता है। अगर आप फाइन बेसन यूज़ कर रहे हैं तो 1/8 कप बेसन निकाल कर उसमें 1/8 कप बारीक सूजी और रवा को ऐड कर लें तो उससे भी ये वैसे ही लगते हैं और बनते हैं। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 मिनट के लिए घी में सेकेंगे। इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो बेसन जल सकता है। शुरू में आपको बेसन थोड़ा चलाते हुए टाइट टाइट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे सेकेंगे ये पतला होता जाएगा और घी छोड़ेगा। आप देख सकते हैं बेसन कितना दानेदार है। बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और बेसन को सेकते हुए मुझे 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून पानी डालूंगी। इस तरह से देखिए, इसमें इस तरह से झाग आएंगे तो हमें इसे अच्छे से चलाना है जब तक ये झाग बैठ ना जाए। झाग बैठ गए हैं तो मैं दोबारा से इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालूंगी और अच्छे से चलाऊंगी। झाग दोबारा से बैठ गए हैं तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। हलवाई लोग ऐसा ही करते हैं लड्डू में अच्छा दानेदार टेक्सचर लाने के लिए। अब जल्दी से हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि कढ़ाई काफी गर्म रहती है तो बेसन जल भी सकता है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर। गर्म गर्म बेसन में कभी भी शुगर पाउडर या तगार ऐड मत करिएगा। उससे क्या होगा कि गर्म बेसन से शुगर उसमें मेल्ट हो जाएगी और आपके लड्डू नहीं बनेंगे। बेसन अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसमें तगार ऐड करूंगी। तगार आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। हलवाई लोग लड्डू बनाने के लिए इसे ही यूज करते हैं। ये घर की पिसी हुई चीनी से थोड़ी अलग होती है। आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं, बट एकदम हलवाई जैसे चाहिए तो फिर तगार ही यूज करें। तगार हम घर पर भी बना सकते हैं। जल्द ही मैं इसकी रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। आप अगर यहाँ ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो मैं इसमें से इसके इस तरह से लड्डू बना लूंगी। बस इसी तरह से हम बाकी लड्डू भी बना लेंगे और किसी भी ड्राई फ्रूट से इन्हें गार्निश कर लेंगे। तो तैयार है हलवाई के बेसन लड्डू से भी बेहतर देसी घी के बेसन लड्डू। तो इंतजार किस बात का है, फटाफट से बेसन लड्डू बनाइए और अपनी लाइफ में मिठास बढ़ाइए। और जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो तो उसे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।